हेलो, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष, बोलिए। मैडम सर, एक खुशखबरी है। वो जो बच्चा चोर वाली लेडी है ना, उनके बारे में पता चल गया। क्या? आलू पार्क में रहती है, गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। थैंक यू संतोष, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, उस औरत का पता लग गया है, आलमबाग गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। चलिए। सब्जी ले लो, सब्जी। ताला लगा है? हाँ, सब्जी वाला, उससे पूछते हैं। भाई साहब, ये इनको देखा है आपने कहीं पे? ये तो रूपति है। हाँ, यही रहती हैं। कहाँ गई हैं? अभी तो उस तरफ गई है। करिश्मा सिंह, रुकिए, करिश्मा सिंह। करेंगे, इसने जो किया ना वो बहुत गलत किया बच्चों के साथ। तुम्हारे तो करिश्मा सिंह, रुकिए, दैट्स अ मर्डर। पुष्पा जी, संतोष जी, पुष्पा जी, ये गलत है, पाप है, अत्याचार है, अन्याय है। इस अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, ऊपर तक जाऊंगा मैं। ऊपर तक? कहाँ तक? फर्स्ट फ्लोर तक जाऊंगा, वहाँ चढ़कर अपनी आवाज उठाऊंगा। वहाँ भी किसी ने नहीं सुनी तो उसके ऊपर जाऊंगा मैं। थाना से फर्स्ट फ्लोर तक ही है। तो संतोष जी, मैं हमारी एसोसिएशन में जाऊंगा। कहाँ कहाँ? हमारी चोरों की एसोसिएशन होती है, वहाँ कंप्लेंट लिखवाऊंगा मेरे अन्याय के खिलाफ। कौन सा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ? कौन सा अन्याय? ये औरत जो छोटे छोटे बच्चों को चुराती है, उनके माँ बाप से उनको अलग करती है, इस गुनहगार को मेरे बिल्लू निवास में रखकर मेरा बिल्लू निवास अशुद्ध कर दिया है। अम्मा बिल्लू, चुप करो और हमें हमारा काम करने दो। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मेरी आवाज दूर तक जाएगी। पुष्पा जी। हाँ जी, नमस्ते, हम महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। जी आलोक कुमार जी, बच्चा चोरी के इल्जाम में हमने जिस रूपवती नाम की महिला को पकड़ा है, उसका कहना है कि उसने एक बच्चा आपको भी बेचा है, तो इसीलिए कल सुबह 10 बजे आके हमारे थाना प्रमुख से मिली है। देखिए, आपने ये जो काम किया है ना, वो गैर कानूनी है और इसके लिए आप पर भी FIR की जा सकती है। आपको जो कुछ भी कहना है, यहाँ आइए, हमारी SHO मैडम से बात कीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। अच्छा हुआ आप आ गए। देखो देखो, मेरे पिल्लू निवास का क्या हाल कर दिया है मैडम। लुटेरा, डाकू, चोर, उचक्का, किसी को भी मेरे बिल्लू निवास में रखना है, रखो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस औरत को मत रखो प्लीज। अभी के अभी इसको मेरे बिल्लू निवास से निकाल दो। अभी के अभी? अभी। पुष्पा जी, ऐसा समझाना चाहिए। अगली बार समझाएंगे। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि ये
बच्चा चोरी का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैडम सर, रूपवती ने जितने भी नंबर दिए लगभग सबके साथ हमारी बात हो गई है और वो लोग कल सुबह 10 बजे थाना आ जाएंगे। गुड। और शिखा, उसके बच्चे का क्या? रूपवती ने शिखा के बच्चे को जिस दंपति को बेचा वो बार बार रॉन्ग नंबर बोल रहे हैं और रूपवती का कहना है कि उसने उस दंपति के साथ उसी नंबर पे बात की थी। करिश्मा सिंह, प्लीज आराम से। देखो भैया, ऐसा है, यहाँ पे सबको लगता है कि हमको मार धाड़ करना बहुत पसंद है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब हमें एक बात बताओ, अगर हम अपराधी से कोई सवाल करते हैं वो हमें सीधे सीधे सच्चाई से सब जवाब दे देगा तो क्यों हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं? हमें शौक थोड़ी है हॉस्पिटल पहुंचाने का, और सजा देना हमारा काम नहीं है, वो कानून का काम है। इसलिए आप शांति से, पहले तो शांति से बैठिए, बैठिए बैठिए, हाँ, अब फटाफट सर झुकल दीजिए। क्या है ना, अभी तो दिक्कत नहीं है लेकिन बाद में दिक्कत में आ जाओगी तुम। क्या बे, क्या 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 चिल्ला क्या रही हो? हाथ भी नहीं लगाए अभी तुमको। डर के मारे चीख निकल गई। आप उस कपल का सही नंबर बताइए। मैडम जी, जिस कपल को हमने शिखा का बच्चा बेचा है हम उसका सही सही नंबर दिए हैं। अब आप ही बताइए, सारा नंबर हम आपको सही सही दिए हैं, वही एक नंबर हम गलत क्यों देंगे भला? एक बात बताओ, तुम ये बच्चा बेच देने के बाद ये कपल का नंबर इतने टाइम तक संभाल के रखती क्यों हो? ब्लैकमेल करने के लिए। जिनको हम बच्चा बेचते हैं उनका नंबर हम रख लेते हैं ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल कर सकें कि ये बच्चा चोरी का है, और ये कह के उनसे मोटी रकम ऐंठ सके। मैडम जी, तुम जैसी दिखती हो उसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हो। क्या हा, 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 क्या? जिस कपल को तुमने शिखा का बच्चा बेचा उनके बारे में क्या बता सकती हो? एक आदमी और औरत आए थे गाड़ी में बैठ के, और उन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांध रखा था। पता नहीं वो हस्बैंड वाइफ थे कि क्या, अब हमको नहीं पता है। मैडम जी, उन्होंने कहा था कि उनको एक बच्चा चाहिए और उसके बदले में हमको वो 4 लाख रुपया देंगे। एक मिनट, TDS और GST कट करके राउंड फिगर 4 लाख हुए ना? नहीं, वो IT रिटर्न करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। संतू, हम कंटिन्यू करें प्लीज। एक गाड़ी आई और उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और उन्होंने हमको कहा कि बच्चा पिछली सीट पर रख दीजिए, तो हम गाड़ी के अंदर गए और बच्चे को पिछली सीट पर रख दिए। फिर उन्होंने हमको 4 लाख रुपया दिया और हम वहीं खड़े खड़े पैसा गिने और फिर घर चले आए। गाड़ी के बारे में कुछ याद है? गाड़ी का रंग, मेक, मॉडल, गाड़ी का नंबर कुछ याद है? मैडम जी, गाड़ी के बारे में हम क्या याद रखेंगे, क्या बताएंगे, बताइए। तुमको ना याद दिलाते हैं हम अभी। नहीं रुकिए, याद आ गया, वो सिल्वर कलर का था, चांदी कलर का। जब हम गाड़ी से जब नीचे उतरे ना तो उसका पिछला टायर पंचर हो चुका था, तो फिर हम गए और उस जो आदमी बैठा था उसको हम बोले कि तुम्हारा पिछला टायर पंचर हो गया है, उसको ठीक करा लेना, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है ना। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो दोस्तों, एक बार फिर महिला पुलिस थाने के सर एक नया केस सॉल्व कराने का सहरा सज चुका है। जी हाँ, बच्चा चुराने वाली औरत पकड़ी गई है। आइए देखिए, पिछले 5 सालों से जो भी बच्चे चुराए गए थे उन्हें सही सलामत अपने माँ बाप तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये है वो औरत रूपमती जिसने बच्चे चुराए थे। दर्शकों, इस औरत ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस पूरे सर्किट को हैंडल किया था। सबसे पहले तो ये बच्चे चुराती थी, फिर IVF हॉस्पिटल्स के बाहर पहुंच जाती थी और वहां बच्चे की चाहत में आने वाले वो जो कपल्स थे उनको बच्चे बेच डालती थी। पर आज वो पकड़ी गई है और आज इन सब बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्होंने पूरी महिला पुलिस थाने की टीम को मालाएं पहनाकर अपना आभार प्रकट किया है। और तो और, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी महिला पुलिस थाने टीम को 1-1 लाख नगद कैश प्राइज दिया है और उनकी हौसला अफजाई की है। और मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मुझे गर्व है ऐसे शहर के नागरिक होने की जहाँ की महिला पुलिस थाने की पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। कट। ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये केस तब सॉल्व होगा जब आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। शिखा, हौसला रखिए, शिवजी सब ठीक कर देंगे। कब तक एक माँ से अपना बच्चा दूर रह सकता है बताइए?
शिखा तुम्हारा मिट्टू। आओ शिखा, अब इत्मीनान से घर जाइए और सबसे पहले बच्चे का पेट भरिए। पता नहीं कब से बेचारा भूखा होगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर, आपने ये कैसे? ये सब उस पंचर टायर का कमाल था। आईवीएफ सेंटर के आसपास जितने भी मैकेनिक्स थे, हमने सबको कांटेक्ट किया, पूछा कि पिछले कुछ दिनों में कोई पंचर गाड़ी उनके पास आई है कि नहीं। उनमें से एक ने कहा कि दो दिन पहले एक सिल्वर कलर की गाड़ी उनके पास आई थी, जिसमें से लगातार एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। हमने ज्यादा डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि उसी के पास में एक पेट्रोल पंप है। हमने पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज मंगाया। फुटेज में गाड़ी का नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट से हमने एड्रेस ट्रैक किया और फिर एड्रेस से हम उस कपल के पास पहुंच गए। उस कपल ने हमसे माफी मांगी और तब जाकर हम शिखा की अमानत उसे लौटाने में कामयाब हुए। मैडम सर, आपने तो कमाल कर दिया। सचमुच आपका जवाब नहीं, जहां हम सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है वहां आप अपनी सूझबूझ से केस सॉल्व कर ही देती है। हम सहमत है पुष्पा जी आपसे, सही मायने में अब केस सॉल्व हुआ है और इस केस को उसका अंजाम मिला है। मैडम सर, कल की हेडलाइन के लिए एक तस्वीर हो जाए। बिल्कुल। तो आइए आप सर। आइए। मैं फोटो खींचता हूँ, इधर ना भाई। इसमें फोटो निकलता है ना? हाँ हाँ निकलता है। रेडी स्टेडी स्माइल प्लीज। जी आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। वैसे आप जानते हैं हमारा रुचि तो नहीं है ये पिक्चर विक्चर में, लेकिन आपका बहुत मन है ना तो देख लेते हैं। हाँ डिनर भी बाहर ही करेंगे, बहुत टाइम से हमने डिनर नहीं किया बाहर। ठीक है, हम निकल रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं वहाँ पे। हाँ संतू, जब भी मैडम सर आएगी ना तो ये सब साइन करवा लेना उनसे। ठीक है, ओके चलो। गुड नाइट बिल्लू जी। क्या गुड नाइट संतू जी, कहो तजुर्बा कहता है हमारा। क्यों कहूँ तजुर्बा कहता है हमारा? अरे करिश्मा मैडम कहती है टोपा होका और मैडम सर कहती है तजुर्बा कहता है हमारा। ये मैं दिन भर 4-5 बार नहीं सुनता ना तब तक मुझे नींद नहीं आती। अभी करिश्मा मैडम टोपा होका इनका 4-5 बार कोटा खत्म हो गया है, लेकिन हसीना मैडम तो आई नहीं थाने में, तो उनका कोटा बाकी है ना, इसीलिए बोलो तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि क्या जमानी क्या वजन पैदा करो। वजन पैदा नहीं किया जाता है बिल्लू जी, बढ़ाया जाता है। कैसे समझाऊं मैं आपको? पता नहीं, वैसे मैडम सर हमेशा इन्फॉर्म करती है अगर नहीं आना होता है, आज इन्फॉर्म भी नहीं किया है, पता नहीं कहाँ गायब है। संतू बता दे करिश्मा मैडम को कि ड्यूटी के अलावा भी हर एक की अपनी निजी जिंदगी होती है, निजी काम होते हैं, गई होंगी कहीं अपने निजी काम के लिए, है ना? हाँ पर मैडम सर को क्या पर्सनल काम होगा? क्यों क्यों नहीं हो सकता भाई, जवान है, खूबसूरत है, शादी की उम्र की है, तो गई होंगी किसी से मिलने। ओ या क्या ओ या? डेट पे जा सकती है ना? हाँ हाँ गई होंगी शायद। अब शादी के लिए क्या जरूरी होता है, हमारे लाला की तरह एक अच्छा लड़का, तो उसके लिए बाकी लड़कों से मिलना भी तो पड़ेगा ना उनको। पर आजकल अच्छे लड़के मिलते भी कहाँ है, है ना? काश मैं पता लगा पाती मैडम सर किससे मिलने गई है। सुनिए ना, आप सबका हो गया हो तो पुष्पा जी हम चले। बिल्लू, डीएसपी साहब अपने आज थे क्या पूरे दिन ऑफिस में? हाँ तो कोई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि डीएसपी साहब मतलब हमारे बहुरानी के लाडले भैया और हमारी हसीना मैडम कहीं दोनों साथ में पूरा दिन तो नहीं एक साथ गुजारा उन दोनों ने? अच्छा अब ऐसे आ रहे? हाँ हाँ हो सकता है। हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं हमारे कहने का मतलब यह है कि दोनों सुंदर हैं, सुशील हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, कुंवारे हैं, पुलिस में हैं, और क्या चाहिए? कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ऐसा कुछ नहीं? वही जैसा आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अनु भैया और मैडम सर साथ नहीं थे। आपको कैसे पता साथ नहीं है? हमने कॉल किया था ऑफिस में, हमें पता लगा वो ऑफिस में थे तो वो साथ नहीं थे। थे ना, अभी भी है, आपको कैसे पता?
कुछ कुछ होता है। मजा आया। सिपाही रामचरण बोल रहे हैं क्या आप? हाँ सुनिए ना, हम करिश्मा बोल रहे हैं, आप साहब से बात कराइए, थोड़ा अर्जेंट है। साहब तो नहीं है मैडम, वो राउंड पर निकले हैं, उत्तम नगर टॉकीज की तरफ गए हैं। कब कब निकले? यही कोई आधा घंटा हुआ होगा मैडम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। मैडम आप प्लीज मैडम सर को डायरेक्ट पूछ लो ना कहाँ थी वो, अभी मैं तो घर पे चली जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। प्लीज थैंक यू सो मच। नींद उड़ाने के ना बहुत सारे तरीके आते हैं, हमें उड़ाए तुम्हारी नींद नहीं। तुमको हमने बोला है मैडम सर का लोकेशन ट्रेस करो तो करो। देखिए ये बहुत गलत बात कर रही हैं आप, संतु करो जल्दी करो, मगर ऐसा आपको सीनियर का लोकेशन ट्रेस नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमारे थाने का SHO का हम पूरा खबर रखे, हम उनसे संपर्क में रहे, ठीक है ना? तो इसलिए हम कर सकते हैं, हमें हक है इस चीज का। संतु हाँ तुम करो करो जल्दी करो। आप सही थी। शुक्र है। नहीं आप नहीं पुष्पा जी, आप सही थी। हम? हाँ मैडम सर की लोकेशन वो उत्तम नगर पे जो सिनेमा हॉल नहीं है वहाँ के चेक नाका का दिखा रहा है, और वहीं पे DSP सर गए राउंड मारने। वैसे कौन सी फिल्म लगी है उत्तम नगर सिनेमा हॉल में? हम आपके दिल में रहते हैं। फिल्म का नाम है, पुष्पा जी ने पूछा तो बता दिया। अमा तुम बिल्लू से मार लगाएंगे ना, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे तुम थाने के। पुष्पा जी बत... जी जी अभी नहीं पॉसिबल लग रहा है ना हमको। नहीं नहीं हो पाएगा पिक्चर विक्चर, नहीं डिनर भी नहीं कर पाएंगे आज, आप समझिए थोड़ा। आपका फेवरेट सब्जी चना दूधी वो आके बना देंगे, उससे काम चलाइएगा आज आप। हाँ देखा देखा। क्या देखा पुष्पा जी? यही कि किसका गुस्सा हमारे बेचारे लल्ला पे उतारा जा रहा है। इनके भैया राजा की पिक्चर पिक्चर और हमारे बेचारे लल्ला की पिक्चर बाइस्कोप। पुष्पा जी दुनिया का ये दस्तूर है, जिंदगी बस एक टूर है, हैं? टूर? रोमियो कमिंग। यस डेल्टा टू रोमियो हियर, ओवर। आप कहाँ हैं? आप जानती हैं ना कि इस वक्त हम वायरलेस पर हैं, ओवर। जी हाँ वो हमें आपसे मिलना था, लोकेशन कंफर्म करना था, आप वो उत्तम नगर में सिनेमा हॉल है आप उसके पास है ना, ओवर। वाह क्या बात है, आपका नेटवर्क तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपने पता लगा लिया कि इस वक्त DSP कहाँ है? वैसे आपने बिल्कुल सही पता लगाया है कि हम उत्तम नगर सिनेमा की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम सिनेमा देखने नहीं जा रहे बल्कि डिपार्टमेंट के एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में जा रहे हैं। हम आपसे कल मिलते हैं, ओवर एंड आउट। चलिए। पानी पी लीजिए ना। रोकिए गाड़ी रोकिए। सुधा नारायण MCG। गाड़ी की तलाशी लेनी है। SHO हसीना मलिक महिला पुलिस थाना। बड़ी अच्छी बात है, आप जरा गाड़ी से बाहर आइए। जी चेक करो। एक मिनट, हमारा ID। हम ये ID इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें तलाशी से कोई एतराज है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप बस अपना काम कर रही हैं, अपना ड्यूटी कर रही हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। फिर भले ही वो गाड़ी पुलिस की क्यों ना हो। पुलिस की गाड़ी है तभी तो तलाशी हो रही है मिस मलिक। टिप मिली है कि पुलिस की गाड़ी में ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं। स्ट्रेंज, इनफैक्ट दैट्स वेरी सैड। अगर पुलिस ही ऐसा काम करने लगेगी तो आशा करती हूँ कि उन पुलिस वालों में आप नहीं है मिस मलिक। नहीं बिल्कुल नहीं। मैडम जी एक मिनट आई।
सनसनीखेज खुलासा, एसएचओ हसीना मलिक अमीनाबाद ड्रग्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी के आड़ में ड्रग्स के नशीले धंधे में भी थी लिप्त। हम मौजूद है एनसीजी दफ्तर के बाहर, जहां किसी भी पल एसएचओ हसीना मलिक को लाया जा सकता है। देखते रहिए आप हमारे साथ आंखों देखी। एसएचओ हसीना मलिक, जिनके आने से शहर में सुकून आया, अमन की आशा पैदा हुई, लोगों के मन में कानून के लिए एक नई इज्जत पैदा हुई, आज वही एसएचओ हसीना मलिक खुद कानून के अपराधी बनकर यहाँ पर आने वाली हैं। दर्शकों, सच और झूठ का फैसला तो कानून कर ही लेगा, पर ये बात भी साफ है कि हसीना मलिक को करीब से जानने वाले लोग ये मानते हैं कि वो कोई भी गैर कानूनी काम कभी नहीं कर सकती। बाकी सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला तो हो ही जाएगा और आपके सामने आ ही जाएगा। हसीना मलिक, क्या वर्दी की आड़ में ड्रग्स का गैर कानूनी कारोबार करती हैं? आपको गिरफ्तार होकर कैसा लग रहा है? कब से आप ये कारोबार करी हसीना मलिक? जवाब दीजिए मैम, आपके साथ इस ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार में और कौन शामिल है? क्या अमीनाबाद पुलिस स्टेशन की और भी महिलाएं इसमें शामिल हैं? बताइए मैम, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा मैम, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। बताइए मैम, आपके पीछे कौन कौन है, किसका हाथ है आपके पीछे? बताइए, आप बताइए, गैर कानूनी कारोबार में और कौन शामिल है, और कौन है आपके पीछे? आप ऐसे नहीं जा सकती मैम। आपको कुछ चाहिए? चाय, पानी, कॉफी, जो चाहिए वो बोल दीजिए, क्योंकि कैसा है ना, ये इंट्रोगेशन काफी लंबा चलने वाला है। हमारी मैडम जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती, राइट मैडम? मैंने सुना है तुमने अपने लिए कोई वकील हायर नहीं किया है। जी नहीं। क्यों? हमने जरूरत नहीं समझी। हसीना मलिक, नाटक नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। पुलिस वाली हो इसलिए कोई रियायत होगी, ऐसा सोचने की बेवकूफ़ी भी मत करना। उल्टा तुम जैसे पुलिस वालों से ना मेरी जाति खुंदक है, जो वर्दी की आड़ में कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा तो मैं जीना हराम करके रख दूंगी हसीना मलिक, नरक बना के रख दूंगी तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को। बताओ कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस ड्रग्स रैकेट में? तुम्हारी गाड़ी में जो हमें ड्रग्स मिले हैं वो कहाँ डिलीवर होने वाले थे? तुम चाहो तो ये कह सकती हो कि जो ड्रग्स हमें तुम्हारी गाड़ी में मिले हैं वो तुम्हारे हैं ही नहीं, किसी और ने तुम्हारी गाड़ी में प्लांट किए हैं, साजिश की है किसी ने तुम्हें फंसाने की। तुम जैसे पुलिस वालों की तो वैसे भी हजारों दुश्मन होते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। क्यों, तुम चाहो तो ये कह सकती हो? सभी यही कहते हैं पकड़े जाने पर, इनफैक्ट तुम्हारा वकील भी पूरी शिद्दत से अदालत में यही साबित करने की कोशिश करेगा। तो फिर कहीं से प्रैक्टिस शुरू करें? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? कोई और जुगाड़ यहाँ से बच निकलने का, या फिर कोई और खुराफात कानून की आंखों में धूल झोंकने की? बोलो, कुछ तो बोलो। जानती हो ना हसीना मलिक, तुम्हारी ये खामोशी अदालत में तुम्हारे खिलाफ जा सकती है।
या फिर यूं कहूं कि इसी खामोशी को तुम्हारा कन्फेशन माना जा सकता है। बहुत बुरी तरह से फंसोगी हसीना मलिक यूं खामोश रहकर, और तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एसएचओ हसीना मलिक जैसी बेदाग और आदर्श छवि वाली महिला पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराध में संलिप्त पाई जा सकती हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हें भी झुटलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर वह वाकई में गुनहगार हैं, तो ना सिर्फ उन्होंने महिला पुलिस थाने की गरिमा को धूमिल किया है, बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे पुलिस फोर्स को भी शर्मिंदा किया है। बिना सच्चाई जाने ही कैसे कुछ बोल सकते हैं? इन्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं है पुष्पा जी? लोकतंत्र है बेटा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ, पर ये जो भी हो रहा है संतू, देखना, एक दिन ऐसे झूठ के बादल छटेंगे और सच का सूरज उगेगा। आज नहीं तो कल हसीना मैडम की बेगुनाही सबके सामने आ ही जाएगी। फिर ये लोग समझेंगे कि उनके जैसी अफसर देश और कानून का गौरव होती है, ना ही उनकी शर्मिंदगी का कारण। खैर ये सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम हसीना मैडम की बेगुनाही कैसे साबित करें। कौन हो सकता है जिसने हसीना मैडम को फंसाने की कोशिश की? क्या हुआ? क्या वो डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर बोली नहीं निकल, क्या बोली 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 नहीं निकली डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर फोन करो जल्दी। आप टेंशन मत लो, पानी 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 का क्या करेंगे? आवाज अटक गई है। नहीं सुनो, जल्दी डॉक्टर। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो आप? मैडम की बोली, आप टेंशन नहीं। कोई है? कोई कोई है? हाँ, हमको पता लगाना है मैडम सर, मैडम सर को किसने फंसाया, कौन है वो आदमी, हमें पता लगाना है ना। हाँ हाँ, कौन हो सकता है वो इंसान? सोचो सोचो, अपने दिमाग से सोचो। सोचते हैं सोचते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी से जो ड्रग्स बरामद हुए, वो कहाँ डिलीवर होने वाले थे? तुम्हारा और कोई बॉस भी है या फिर तुम खुद ही रैकेट चलाती हो? काम कर रहे थे मैडम, हम जर्नलिस्ट, ये रहा हमारा आई कार्ड, जल जला एक्सप्रेस, जल जला एक्सप्रेस। मैडम हम तो हसीना मलिक के साइड में, हम तो उनके फैन है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम वो बेगुनाह साबित हो। पर मैडम हमारे अकेले जाने से क्या होता मैडम? अब आपको भी पता है मैडम, अब जिसने भी हसीना मलिक को फंसाया ना, अब ऐसे केस में फंसा है, अब तो कोई चमत्कारी उनको बचा सकता है। हमारे होते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जमीन खोद कर निकालेंगे, आसमान फाड़ कर, लेकिन खोद कर निकालेंगे उस इंसान को जिसने मैडम सर के साथ ये बदतमीजी किया और महिला पुलिस थाने का नाम खराब किया है। भौकाल दिखाएंगे उसको हम अपना। आखिरी बार पूछ रहा हूँ हसीना मलिक, कुछ कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? नहीं। मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि यूं खामोश रहकर तुम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाहती तो मैं यही थी, तुम्हें यहां से सीधा अदालत और अदालत से सीधा जेल पहुंचाऊं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की सही जगह ना वही है। मतलब क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर हूं, और इसीलिए ये शो कॉज नोटिस तुम्हें जारी किया जा रहा है। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, अब इन 2 दिनों में या तो खुद को इनोसेंट प्रूव करो
या फिर आने वाली 26 तारीख को तुम्हें फिर से अरेस्ट किया जाएगा और इस बार मुकदमा दायर करके तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम सुधा नारायण की निगरानी में हो। वो सुधा नारायण जो अपने शिकार की सोच पर भी पूरी नजर रखती है। बत्रा जी इन्हें छोड़कर आइए। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अकेले जा सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर पीछे के दरवाजे से जाइए, सामने मीडिया है। क्या कहते हो मैडम, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? खामोश रहने के पीछे हमेशा दो ही वजह होती है बत्रा जी, गुनाह का एहसास या फिर कोई गहरा राज। अब इसकी खामोशी के पीछे क्या वजह है ये तो जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक इस पर नजर रखिए। कहाँ हैं आप, कुछ बोल कहे नहीं रही हैं? बताया कि नहीं आपने उनको? जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझा मतलब? इतना बड़ा आरोप लगा मैडम सर आप पे, आपने उनको बोला कहे नहीं कि आप निर्दोष हैं? ये फंसाया जा रहा है आपको, किसी का कोई साजिश रच रहा है आपके खिलाफ। हम एक प्लान बनाए हैं, आप सुनिए, ओके कीजिए और हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दो दिन का समय मिला है हमें आपको निर्दोष साबित करने के लिए, उसमें भी आप कह रही है कि एक एक मिनट कीमती अभी हमारे लिए। आपको प्लान नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है हम वो करेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी करिश्मा सिंह, हमने कहा ना किसी प्लान की जरूरत नहीं है। ठीक है हमारा प्लान नहीं, लेकिन आपने कुछ सोचा है, कोई और प्लान है आपके दिमाग में तो हमको बताइए, हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। आप बताइए हमको, या फिर आपको पता है ये सब किसने किया है? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है मैडम सर? आप खुद कुछ करेंगी नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगी, चल क्या रहे हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप भरोसा नहीं करती हैं हम पर? हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नहीं चाहिए हमें किसी की मदद करिश्मा सिंह। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो प्लीज फिलहाल के लिए हमसे दूर रहिए, हमारी मदद करने की कोई कोशिश मत करिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, यही आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये कैसा बर्ताव कर रही हैं आप मैडम सर, क्या हो गया आपको? गाड़ी रोकिए। हाँ गाड़ी रोकिए। नहीं हम नहीं रोक रहे, हम आपसे कह रहे हैं गाड़ी रोकिए मतलब रोकिए। आप ऐसा काहे कर रही हैं मैडम सर? करिश्मा सिंह हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। नहीं लेकिन हमको जानना है आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं एकदम से, इतना डिफरेंट। हद होती है करिश्मा सिंह, एक बार कह दिया बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी। हद तो आपको हमारा पता है, अगर हम कुछ ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं। हमें दो दिन का समय मिला है आपको निर्दोष प्रूफ करने का, वो हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, हमारे रहते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप गाड़ी में बैठिए, बैठिए आप प्लीज बैठिए। करिश्मा सिंह होल्ड ऑन, मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दीजिए और हमारी मदद करना बंद करिए, ओके? लीव मी अलोन। क्या कह रही हैं आप? मैडम सर ने कहा उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमारी भी नहीं। जी हाँ ऐसा कहा उन्होंने साफ साफ शब्दों में। पर क्यों? क्यों क्यों बात नहीं करना चाहती गन्ना जूस का? हमको नहीं मालूम पुष्पा जी, हम तो खुद बहुत चक्कर रह गए उनका ये बात सुनकर। हम तो उनको कितना समझाए लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि हमको मदद का जरूरत नहीं है, हमको इनोसेंट प्रूफ नहीं करना है खुद को, हमसे दूर रहिए, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम आपको प्यार से बात करनी चाहिए थी ना। तुमको क्या लगता है हमको प्यार से बात करना नहीं आता है? नहीं। अरे इनको छोड़िए,
मगर मैडम सर ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा मतलब हम झूठ बोल रहे हैं पुष्पा जी? अरे मैडम पूरा लखनऊ जानता है कि आप झूठ नहीं बोलती है। क्या बात क्या बात क्या बात। हमें चुप करो, मगर एक तरीका होता है ना बात करने का। मतलब हमको नहीं आता अच्छे से बात करना? क्या करते हम उनका पैर पकड़ लेते कि हम आपका मदद करना चाहते हैं, हम आपको इनोसेंट प्रूफ कराना चाहते हैं, हमारी बात मान लीजिए। अगर जरूरत पड़ती है ना पुष्पा जी तो उनका पैर पे भी पड़ जाते हम, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी ना। हमको पता है क्या चल रहा है। क्या पता है आपको क्या चल रहा है? जब से वो डीएसपी आपके अन्नू भैया आए हैं ना, आपके तेवर कुछ अलग ही हो गए। ऐसे ही अकड़ अकड़ की बात करती है सबके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे ही अकड़ के बात की होगी हसीना मैडम से, इसलिए उन्होंने मना कर दिया हम सबकी मदद लेने से, वरना वो हमें हमें मना कर ही नहीं सकती। सही बात। का सही बात है, का सही बात है, तीनों का वो हाल करेंगे ना। देखिए जो भी हो, जब तक हम उनके साथ बात नहीं करते ना, हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। और हमें पता है वो हमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। हम अभी उनको पूछते हैं। हाँ पूछो पूछो। आपका फोन भी नहीं उठाया? अरे रे रे रे। क्या क्या तुक 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 तुक। किसी काम में व्यस्त होंगी ना वो, हमारा नंबर देख के वापस हमें फोन करेंगी। नहीं हमने तो तय कर लिया है, हम उनके घर जाके उनसे जवाब मांगेंगे। हाँ तुम कहाँ चली? अपने डेस्क पर। नहीं तुम हमारे साथ चलोगी। कहाँ? ये जो ड्रामा हुआ है ना जिसने भी किया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हम वर्दी पे नहीं जा सकते, हमको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम भी जाके चेंज करो, हम भी कुछ और पहनते जाके। हाँ मैं, आप घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। और जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम आपको वापस बुला लेंगे, लेकिन तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिए, पिछली बार की तरह नहीं। ठीक है चलिए अब हम वॉक पर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। ये पुष्पा जी कहाँ से आ गई इस वक्त? सच जाने बिना ये जाएंगी नहीं और हम इनसे झूठ बोल पाएंगे नहीं। बेहतर होगा फिलहाल हमारा इनसे आमना सामना ही ना हो। हसीना मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? दरवाजे पर ताला भी नहीं, मतलब वो घर के अंदर ही हैं। हे भगवान कहीं करिश्मा मैडम सच तो नहीं कह रही हैं, हसीना मैडम हमें ताल तो नहीं रही हैं। नहीं 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 वो ऐसा नहीं कर सकती, हम तो उनकी प्यारी पुष्पा जी हैं। माफ कीजिए पुष्पा जी, मजबूरी है, अच्छा नहीं लग रहा, पर ना चाहते हुए भी आपको अवॉइड करना पड़ रहा है। हम पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, सफर खत्म हो गया, यहीं रुकना था। हमने हसीना मैडम का फोन का लोकेशन फाइंड आउट किया था, वो यहीं कहीं रुकी थी लास्ट टाइम। और मेरे खबरियों की खबर के अनुसार ये लोकेशन वही है जहां जिसे ड्रग्स का हॉटस्पॉट कहा जाता है। बिच्चू ड्रग्स गैंग यहां एक्टिव है,
जो यहाँ के लोगों को ड्रग्स बेचते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं। यहाँ ड्रग्स को हलवा कहते हैं, हलवा। हलवा? बस हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि किसने हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग प्लांट किया था। पूरे चांसेस है कि यहीं कहीं से उसने ड्रग्स लिए होंगे। बस हमें ये पता लगाना है कि उसने किस से कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स लिए हैं, ताकि हम उस तक पहुँच सके। एक बार वो कमीना हमारे हाथ लग जाएगा ना, फिर हमको पता चलेगा कि उसने काहे 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 हसीना मैडम के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। क्या लगता है तुमको ये हो सकता है ड्रग पैडलर? मैडम मेरे बिल्लू द स्पाई की नजर कहती है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कौन करेगा? एक सेकंड, ये क्या 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 बात हो रही है, मुझे कुछ नहीं समझा। वो सामने चप्पल की दुकान है ना, उस आदमी से कंफर्म करना है कि वो ड्रग पैडलर है क्या। कौन करेगा? और कौन करेगा? मैं? ओह, बिल्लू द स्पाई। ओके मैडम, मैं चला जाओ। ए, ए, रुको। क्या है? ये वाला लेके जाओ। ओ माय गॉड, इतना ब्लैक है आज। मेरा नहीं है। हम सुन रहे हैं ना काफी। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो हसीना मलिक, और तुम्हारा ये राज मैं जानकर रहूंगी। तुम्हारी हर हरकत पर नजर है मेरी,